यूपी पुलिस की गाड़ियां पलटना अब फिर से आम बात हो चुकी है, चाहे वो इनोवा हो चाहे वो बोलेरो हो, लेकिन पलटना तो सबको हर जगह है। इस बार फिरोज अली खान नाम के गैंगस्टर को मुंबई से यूपी ला रही फिर से एक बार यूपी पुलिस की गाड़ी पलट गई। गाड़ी थी इनोवा। भाई पलटना आम बात हो गया है, लेकिन इस पर यूजरों के रिएक्शन क्या होते हैं वो देखने में बड़ा फनी लगता है। अभिमन्यु मिश्रा फेसबुक पर लिखते हैं, महिंद्रा TUV 300 के बाद इनोवा भी पलट गई, मेरा तो सभी कार कंपनियों से भरोसा उठता जा रहा है। अभिमन्यु जी, आप ना ही इनोवा लीजिएगा ना ही कोई कार लीजिएगा, सबसे अच्छा आपके लिए रहेगी बैटरी वाली मोटरसाइकिल। आप वो बात क्यों पूछते हैं? अरे जो बताने के काबिल करुणा सिधु मिश्रा लिखती हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ियां अपराधियों से नाराज। कुख्यात गुंडा और अपराधी मोहम्मद फिरोज खान पुलिस की गाड़ी की पलटने से मर गया। करुणा जी, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस की गाड़ियां जो हैं वो अपराधियों से नाराज हों या ना हों, लेकिन पुलिस वालों को बचाने के चक्कर में हमेशा लगी रहती है। राजेंद्र जट लिखते हैं, तेज रफ्तार के कारण एक गाय को बचाने के चक्कर में यूपी पुलिस की गाड़ी सड़क के दूसरे लेन में घुस गई, जिससे गैंगस्टर फिरोज अली की मौत हो गई। राजेंद्र जाट जी, हमें ये तो नहीं पता कि यूपी पुलिस की गाड़ी कैसे किसी दूसरे लेन से दूसरे लेन में घुस जाती है, शायद ये रॉकेट रफाल की तरह है। धनंजय कुमार लिखते हैं, यूपी पुलिस की गाड़ी आज फिर पलट गई और इस बार की पलटन में मुंबई से लखनऊ आ रहे यूपी के गैंगस्टर फिरोज खान जन्नत नसीब हो गए। भाई हमें तो ये नहीं पता कि यूपी पुलिस की गाड़ी कैसे पलटती है और बार बार कैसे उसको पलटन आ जाता है, लेकिन एक लवेरिया में पड़ा हुआ लड़का जिस प्रकार से सपने में अपनी बेगम से लिपटता है और अचानक से बेड के नीचे गिरकर अपने हाथ पैर तोड़ लेता है, ठीक उसी प्रकार से फिरोज खान की भी कार पलट गई और जो हुआ वो आप जानते ही हैं। खैर, यूपी पुलिस की गाड़ी अच्छा है कि केवल गैंगस्टर को लेकर ही पलटती है, किसी आम आदमी को लेकर अगर पलट गई तो फिर कुछ और हो सकता है। फिलहाल ATI न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को शेयर कीजिए, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।